जहां केजरीवाल सरकार पानी माफ और बिजली हाफ को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में शुमार करती है, तो वहीं अब दिल्ली में सत्ता कायम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और विधानसभा से पहले कांग्रेस पार्टी की नींद अचानक बिजली के फिक्स चार्ज और पानी की परेशानी को लेकर खुल गई है। इसी कड़ी में एक प्रदर्शन दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा की जेजे कॉलोनी में भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाषण करते दिखे। गर्मी पीक पे होने की वजह से जो दिल्ली के अंदर पानी की ज़रूरत है वो कम से कम 1250 MGD की है, और आम आदमी पार्टी जिसने बोला था 20,000 लीटर हम फ्री पानी देंगे, आज दिल्ली के अंदर सिर्फ 850 MGD पानी दे पा रही है। तो ये जो इतना बड़ा 2100 MGD का गैप है, इसको पूरा किस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की आवाज़ आम आदमी पार्टी तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश लिलोठिया सहित पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और पूर्व निगम पार्षद सोनिया भी प्रदर्शन में मौजूद रही। सभी ने अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया। पिछले दरवाजे से उन्होंने कीमत बढ़ाई है, उसके विरोध में किया गया है। फिक्स चार्जेस के नाम पर जो लोगों की जेब पर उन्होंने लूट मचाई है, उसके लिए किया गया, उसके विरोध में किया गया। पानी के नाम पर जैसे राजेश जी ने बताया कि वैसे तो पानी आता नहीं है, और जहां पानी आता है वह गंदा पानी आता है, उसके विरोध में किया गया। और हमारे यहां के जो विधायक और जो अब निगम पार्षद है, उन्होंने जितना काम हमने करा था उतना ही 5 साल उसको बिल्कुल ही पीछे ले गए, क्योंकि आज आप देखोगे जैसे कि बरसात के दिन शुरू हो गए हैं, ना तो उन्होंने अभी तक कुछ प्लानिंग करी है, ना नालों से लेके ना कुछ तक। और अभी आप देखोगे कि जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, पूरे सीवर बिल्कुल ऊपर तक भर गए हैं, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो गया है। बिजली पानी का रोना रो रही ये वही कांग्रेस सरकार है जो लोकसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के साथ चोली दामन का साथ बनाने को तैयार थी, लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, यही हाल अब कांग्रेस पार्टी का हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद अब अपनी इज्जत बचाने का एकमात्र सहारा विधानसभा के चुनाव ही दिखाई दे रहा है, और इस 70 विधानसभा धरने के पीछे का भी यही मकसद है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।